Let's turn to the word of the Lord this morning. आइए सुबह के समय परमेश्वर के वचनों में हम जाएं. We've been speaking about the blessings of Abraham. हम अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे हैं. Receiving Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वादों को प्राप्त करना. You know, I have this jar. देखिए मेरे पास ऐसा एक जग है. And I want to fill that with water. और वो पानी से मैं भरना चाहता हूँ. So I go to the middle of the ocean. और इसलिए मैं समंदर के बीचों बीच जाता हूँ. And I put that jar inside the, you know, the water. और उस जग को मैं पानी के अंदर डालता हूँ. So now the jar is surrounded by water. अब वो जो जग है पूरे पानी से घिरा हुआ है. But there's no water inside. लेकिन अंदर पानी नहीं है. The reason is there is a lid on it. और इसका अंदर इसका कारण यह है कि उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है. Every believer is eligible for Abrahamic blessings. और हर एक विश्वासी अब्राहम के आशीर्वाद के लिए काबिल है. It is our inheritance. और यह हमारी मिरास है, वारिसाना हक है. But it might not be our reality. लेकिन हो सकता है कि हमारी वास्तविकता ऐसी ना हो. Because there could be a few lids. क्योंकि कुछ ऐसे ढक्कन उसमें लगे होंगे. So what we are trying to do is this. और क्योंकि हम जो ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो ये है. We're just trying to take those lids off. और हम जो उस ढक्कन जो लगे हैं उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे. What we are learning. और हम जो सीख रहे हैं. It's not making us eligible for Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वाद के लिए वो हमें काबिल बनाते हैं ऐसा नहीं है. It's making us available for Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वाद के लिए हमें वो जो है उपलब्ध कराते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So we're just opening lids every Sunday. और हर एक रविवार को उसके ऊपर के ढक्कनों को हम खोल रहे हैं. As we're opening lids, you know that water is coming in. और जैसे उन ढक्कनों को हम खोल रहे हैं पानी अंदर आ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. We spoke about hearing big from God. और हमने सुना कि परमेश्वर से बड़ी बात को सुनने के विषय में. We spoke about expecting big from God. उसके बाद परमेश्वर से बड़ी अपेक्षा करना इसके बारे में हमने सुना. Last week I spoke about divine dreams that God gives us in the time of our adversity. और पिछले सप्ताह मैंने बताया कि हमारी परीक्षा के समय परमेश्वर अलौकिक ऐसे स्वप्न को हमें देता है. If you have missed last week's message, it is available on YouTube. पिछले सप्ताह का संदेश अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो YouTube में वो उपलब्ध है. In the time of adversity, God gives divine dreams. परीक्षा कठिनाई के समय में परमेश्वर अलौकिक स्वप्न देता है. Today I want to talk about another lid which we need to little unlock. आज मैं और एक ढक्कन के बारे में बताना चाहूंगा जो हमें उसे खोलना है. Turn with me to the book of Genesis chapter 1 verses 1 through to verses 4. उत्पत्ति इसका पहला अध्याय पहले वचन से चौथे वचनों तक हम पढ़ें. Genesis chapter 1 verses 1 to 4. और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय पहले वचन से चार वचनों तक. In the beginning God created the heaven and the earth. और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. And the spirit of God moved upon the face of the waters. तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. And God said, let there be light. और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो. And there was light. तो उजियाला हो गया. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया. I want to focus on verse 3 and verse 4. चौथे वचन पर आपका ध्यान में लगाना चाहूंगा. And God said, let there be light. और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो. And there was light. और तो उजियाला हो गया. And God saw the light. और परमेश्वर ने उजियाले को देखा. I want to talk about another lid called prophetic words. और मैं और एक ऐसे ढक्कन के विषय में बताना चाहूंगा कि वो जो भविष्यवाणी के तौर का वचन. Prophetic words. और भविष्यवाणी के तौर का शब्द वचन. How every individual has the ability to use prophetic words. किस प्रकार से हर एक व्यक्तिगत जन के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो भविष्यवाणी के तौर की शब्दों को वचनों को बोले. Every believer has born with an inborn talent of speaking prophetically into his own life. और हर एक विश्वासी जो है अपने जीवन में भविष्यवाणी के वचनों को बोलने की काबिलियत के द्वारा उसका जन्म हुआ है. Into speaking prophetic words into your family. और आप जो है अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी का वचन बोल सकते हैं. Into your children. आपके बच्चों के प्रति. Like here the word says. और यहाँ पर वचन कहता है. And God was seeing how the earth was. और परमेश्वर देख रहा था कि पृथ्वी कैसी है. The earth was void. और पृथ्वी बेडोल थी. It was empty. और सुनसान थी. And darkness covered. अंधकार उसमें भरा हुआ था. So there was typically nothing there. और वास्तविकता में वहाँ पर कुछ भी नहीं था. And in that situation, और उस परिस्थिति में, the Bible says, and God said. और बाइबल बतलाती है कि और प्रभु ने कहा. He said something. और उसने कुछ कहा. He said something that did not exist. और उसने ऐसा कुछ
कुछ कहा जो अस्तित्व में नहीं था. He did not say, see, there is light. और उसने ऐसा नहीं कहा कि देखो वहां पर उजियाला है. No, he said, let there be light. और उसने कहा उजियाला हो जाए. He was speaking something that did not exist in reality. और ऐसी कुछ बात को उसने कहा जो बात वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं है. When he said that, और जब ऐसा उसने कहा, the Bible says what he said was there now. और बाइबल बतलाती कि जो उसने कहा अब वहां पर वो बात थी. And what was there now? और अब वहां पर क्या था? The Bible says in verse 4 that now God, he saw what he said. और चौथा वचन में बाइबल बतलाती कि परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर उस बात को देखा कि वो वहां है. Three things here. तीन बातें यहां पर है. First he says what is not there. पहली बात वो ऐसा बोलता है जो वहां पर नहीं है. And what is not there now is there. और जो नहीं था अब वो वहां पर है. Now he sees what was not there first. और जो पहले नहीं था अब उस बात को वो देखता है जो अब वहां पर है. I know this is a little bit confusing. और मैं जानता हूं कि थोड़ी दुविधा की बात है. First he speaks. पहला वो बोलता है. Then it happens. तब वो ऐसा ही हो जाता है. Then he sees what has happened. और जब तब वो देखता है कि क्या होता है वो देखता है. There is a learning for all of us in this. और इस सारी बातों में हम सबों के लिए एक सीखने वाली बात. The Bible says we are created in the image and in the likeness of God. बाइबल बताते हैं हम परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं. We are created in the image of God. और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. And likeness means like. God. और समानता का मतलब परमेश्वर के समान. When you say image, और जब हम स्वरूप कहते हैं, you stand in front of the mirror and you see your image. स्वरूप कहते हैं तो यानी आप आईने के सामने खड़े होकर अपने स्वरूप को देखते हो. God is a spirit. वो परमेश्वर आत्मा है. We are also a spirit. और हम भी आत्मा है. That is the image of God. और यही परमेश्वर का स्वरूप है. Then what is the likeness of God? वो परमेश्वर की समानता क्या है? It's being like God. और यानी परमेश्वर के समान. When you look at father and children, वो जब आप पिता और बच्चों को देखते हैं, you can always find similarities. और हमेशा उसकी समानता को उनके दोनों के दोनों में समानता पाते हो. And you will know that you know there are certain things that parents do which children also kind of follow. और आप देखते हो कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ जो करते हैं वो बराबर वैसे ही वे भी करते हैं. You know maybe how they cross their legs and they sit. हो सकता है कि कैसे किस प्रकार से पांव पर पांव धरकर जिस प्रकार से ढंग से वे बैठते हैं. Or maybe the way they speak. या तो जिस तरीके से वो बात करते होंगे. Or certain qualities. या तो कुछ प्रकार के ढंग. There is a likeness which they carry from their parents. और ऐसी समानता है जो अपने पिता से वो जो है बनाए रहते हैं. And we look at these small children and we say, oh, he's just like his father. और छोटे बच्चों को हम देखकर कहते हैं, अरे ये अपने पिता के समान ही है. He's just like his mother. वो बराबर अपनी माँ के समान ही है. She is just like a father. She is just like her mother. और वो अपने पिता के समान है, वो अपने माँ के समान है. There's a likeness that comes. एक ऐसी समानता है जो आती है. First we are in the image of God. सबसे पहले हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं. Second we are like God. और दूसरी बात हम परमेश्वर के समान हैं. That means the abilities that God has. यानी काबिलियत जो परमेश्वर के अंदर है. Are also our abilities. हमारे अंदर भी वही काबिलियत है. Now it's interesting to see that the devil goes and he speaks to Eve. और मैं बहुत ही दिलचस्प बात लगती है कि शैतान जाकर हव्वा से इस प्रकार से बात करता है. And he says if you eat this fruit you will be like God. और वो कहता है अगर इस फल को तू खाएगी तो परमेश्वर के समान बन जाएगी. He was giving Eve what she already had. हव्वा को वो बात वो दे रहा था जो हवा के पास पहले ही था. हालेलुया हालेलुया. वही ना, हलवाई को जाके हलवा बेचने की बात है. Eve was already like God. और हवा तो पहले ही परमेश्वर के समान वो थी. But she did not know it. लेकिन वो बात वो नहीं जानती थी. That is why the devil was able to sell her something that she already had. और इसलिए शैतान ऐसी कुछ बात उसे बेच रहा था जो पहले उसके पास थी. Lot of salesmen might come knocking on your door. बहुत सारे सेल्समैन जो है बेचने वाले आपके दरवाजे के पास आकर खड़े. So he comes with this bottle of phenol. और वो फिनाइल के बोतल के साथ आता है. And he says, please take some. और वो कहता है कि श्रीमान जी इसे आप ले लीजिए. Just because he's come, you're not buying phenol and stacking it in your house. और इसलिए जब क्योंकि वो आ गया है इसलिए ऐसा आप लेकर जो है अपने फिनाइल की बोतल का वो जो है भरमार आप नहीं लगाते. You're not having wholesale, you know, amount of phenol. और फिनाइल का जो है होलसेल पूरा आपके पास वो रखा हुआ नहीं रहता. Then you say, no, I have it, I don't need it. और जब वो आता है तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास है मुझे जरूरत नहीं. How much ever he tries to push, और जितना भी उस दबाव से आपको देने का प्रयास करता है, I've already got it. तो आप कहते हो कि नहीं मेरे पास पहले से ही है. Because you know that it is there. क्योंकि आप जानते हो कि वो बात आपके पास है. Now imagine your father goes and opens the door. जरा कल्पना कीजिए कि आपके पिता जाते और द्वार खोलते हैं. Men exactly have no clue of you know house cleaning items, where it is kept, how much is there. और ऐसा वजन है जिनको बराबर पता नहीं कि घर की साफ सफाई का सामान कहाँ पर है और कितना है. So he looks at that thing which comes. और जो वस्तु आती है उनके पास उसके पास वो देखते हैं. First he
generally says no. और सामान्य तौर से वो कहते हैं कि अरे नहीं चाहिए. And the other person pushes. और सामने वाला व्यक्ति दबाव से कहता है. Then this man says, okay, let's take and keep. Maybe it's not there. तो वो कहता है ठीक है ले लेते हैं हो सकता है कि बात मेरे घर पर ना हो. He buys and he keeps. और वो खरीदता है और लेकर देता है. Evening his wife comes. और शाम के समय उनकी पत्नी आती है. She sees that bottle. और वो बॉटल को देखती है. And she says, who got this new bottle here? और वो कहते हैं अरे नई बॉटल यहाँ पर किसने लाई? We already have two new bottles inside. अरे पहले ही नई दो बोतल हमारे पास अंदर है. That is something that happened to Adam and Eve that day. और यही बात उस दिन जो है आदम और हवा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ. Eve had the likeness of God. हवा के अंदर परमेश्वर की समानता थी. But she did not know it. लेकिन वो उस बात को जानती नहीं थी. So the devil made a good sale. और इसलिए शैतान ने बहुत ही अच्छा लेन देन वहां पर किया. When you and I don't know what we have. जब आपको और मुझे पता नहीं होता कि हमारे पास क्या है. The devil can turn into a good salesman. शैतान बहुत ही अच्छा सेल्समैन होकर बदल जाता है. Because even today his tricks are the same. क्योंकि आज भी उसकी जो तौर तरीके वैसे की वैसे ही है. He is an old fox. और वो पुरानी लोमड़ी है. He is an old lion. और वो पुराना सिंह है. Old bag of tricks. और पुरानी वो जो है चालाकी की वही थैला उसके पास है. But the thing is even today he is successful with the old tricks. लेकिन बात ये है कि पुराने तौर तरीकों से आज भी वो इसी बात से वो सफल हो रहा है. Because believers don't take the time to know what we already have. क्योंकि विश्वासी जो है हमारे पास पहले से ही जो है उसको जानने में समय नहीं ले रहा. We have the ability to speak prophetic words. हमारे पास भविष्यवाणी के तौर के बातों को बोलने की काबिलियत है. We have the ability to speak things into existence that do not exist at the moment. हमारे अंदर ऐसी काबिलियत है जो ऐसी बातों को बोलने की जो बातें अस्तित्व में नहीं है उन बातों को अस्तित्व में लाने की शब्द काबिलियत हमारे अंदर है. I'm going to take 2-3 weeks to speak about prophetic words. और भविष्यवाणी के शब्दों को बोलने के बारे में 2-3 सप्ताह में लेना चाहूंगा. Because I want us to understand this very well. क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सभी जन बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ ले जाएं. I'm telling you it's life changing. और मैं आपको बताऊं कि ये बात जीवन को बदलने वाली है. This principle has been used by all successful people across the Bible. और ये सिद्धांत जो है पूरे बाइबल में सारे सफल पूर्वक लोगों के द्वारा जो है उपयोग में लाया हुआ काम है. So God said. और इसलिए परमेश्वर ने कहा. What he said happened. और उसने जो कहा वो हो गया. And what happened he was able to witness with his own eyes. और जो हुआ वो अपने खुद की आंखों से उस बात को देख पाया. John chapter 1 verses 1. Very familiar words. योहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन बहुत ही नामचीन वचन. In the beginning was the word and the word was with God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था. The word was God. और वचन परमेश्वर था. It did not say in the beginning was God and God had a few words. और ऐसा नहीं लिखा कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर के पास कुछ वचन थे. Or in the beginning was God and God spoke a few words and the world came. और ऐसा नहीं कहा कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने कुछ वचनों को कहा और ये संसार अस्तित्व में आया. The beginning was the word. आदि में वचन था. The beginning, the existence of God is His word. और परमेश्वर का अस्तित्व में जो आदि में है वो वचन है. When God was speaking the word, let there be light. जब परमेश्वर वचन बोल रहा था कि उजियाला हो जा. He was speaking His existence out. अपने अस्तित्व को वो बोल रहा था. He was speaking His reality out. अपनी वास्तविकता को वो कह रहा था. Beginning was a word. आदि में वचन था. That word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था. That word was God itself. और वो वचन स्वयं जो है परमेश्वर था. Now when God said, "Let there be light," और जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जा, those were not just empty words. वो खोखले या खाली वचन नहीं थे. Those words were creative power. और वो उन वचनों में सृष्टि या जो कार्य में आने की सामर्थ्य. Those words had the power to create something. और वचनों को किसी बात को निर्माण करने की काबिलियत या सामर्थ्य थी. Now how do ordinary words become creative words? अब किस प्रकार से सर्वसाधारण शब्द जो है क्रियाशील शब्द बन जाते हैं? Understanding how words are formed. और इस बात को समझना कि कैसे शब्द का निर्माण होता है. The words that we speak with our mouth. शब्द जो हमारे मुंह से हम बोलते हैं. How are they formed? कैसे वो शब्द कैसे बनते हैं? First, this word, these words are conceived in our heart. पहली बात ये जो शब्द है हमारे हृदय में संचय होते हैं. It's first conceived in the heart. और पहले ये शब्द जो है हमारे हृदय में गर्भधारण होते हैं. Second, it is formed in your tongue. दूसरी बात ये आपके जबान में बनते हैं. Third, it is spoken through your mouth. तीसरी बात आपके मुंह से वो बोले जाते हैं. These three steps are very important. ये तीन कदम बहुत ही अहम हैं. First conceived in the heart. और पहले हृदय में उसको ले लेना. Second it is formed in the tongue. और दूसरे ज़बान में वो शब्द आ जाते हैं. Third it is spoken through the mouth. तीसरा मुंह से उस शब्द को बोला जाता है. Step one it is conceived. और पहले कदम जो है वो उसके प्राप्त हो जाता है. When a person is in Christ Jesus. और जब एक व्यक्ति मसीह यीशु में है. It is the spirit of God that controls your heart. वो परमेश्वर की आत्मा है जो आपके हृदय पर नियंत्रण रखती है. You say that Jesus lives inside me. और आप कहते हो कि यीशु मेरे अंदर रहता है. The Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है. What is the Holy Spirit doing inside? पवित्र आत्मा अंदर रहते हुए क्या करता है? He is not
sitting useless. वो बगैर काम बेकार होकर बैठा नहीं रहता. He's working in your heart. वो आपके हृदय में काम करता रहता है. He's taking control of your heart and your desires. वो आपके हृदय और आपके चाहतों का नियंत्रण रखता है. You begin to think godly thoughts. और आप ईश्वरीय सोच जो है सोचने लगते हैं. So you desire for God. और आप परमेश्वर के प्रति आपकी आकांक्षा इच्छाएं होती है. To a believer. और विश्वासी के लिए. The words that are conceived in his heart are always good. वचन जो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति होते हैं वो बहुत ही अच्छे हमेशा. So from the heart now it comes to the tongue. इसलिए हृदय से आप वो ज़बान में आते हैं. The tongue begins to form the words. ज़बान जो है वो शब्दों को आकारने लगते हैं. Here is a challenge. यही पर एक चुनौती की बात है. Hallelujah. Hallelujah. The tongue is receiving its input from two things. और ज़बान जो है दो बातों से ये शब्द को हासिल करती है. One it is getting from the heart. एक तो हृदय से ये शब्द उसे प्राप्त होते हैं. Second, it's getting its input from the mind. और दूसरा जो है दिमाग से उसको शब्द आ रहे हैं. The heart is controlled by the spirit of God. हृदय जो है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित है. The mind is controlled by the logic of the world. और दिमाग जो है मन जो है संसार के तत्व ज्ञान के अनुसार वो नियंत्रण में रखा. Now if I am made in the likeness of God. अगर मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूं. I speak things will happen. अगर मैं कुछ बोलूंगा वैसा ही होगा. Why is it not happening? तो वैसा क्यों नहीं हो रहा? Because in your heart the right word is conceived. क्योंकि आपके हृदय में सही प्रकार का शब्द बना है. But the word that is formed in your tongue. लेकिन आपके ज़बान में जो शब्द बनता है. Is different from the word that is conceived in your heart. जो हृदय में आपके वचन है उससे है वो जो आपके ज़बान में शब्द बनता है ये दोनों शब्द अलग है. Now I'll give you good examples. और मैं आपको अच्छे उदाहरणों को देना चाहूंगा. For example, you see a beautiful car just passing by. उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही सुंदर कार आ जाते हैं उसको आप देखते हो. और in your Maruti 800. आपके Maruti 800 में आप हो. And you see this beautiful Mercedes Benz which just sails past you. और बहुत ही Mercedes Benz जो बहुत आपके बगल से पार होकर जाती है. You look at it and you get that nice feeling. Oh, you know what a wonderful car. और आप देखते हो और आप अपने अंदर सोच रहे हो कितनी सुंदर ये कार है. You feel that that thing welling up in your heart. और आपके हृदय में वो बात बहुत ही आ जाती है ऐसा देखते हो. Now that thing begins to move up to your tongue. और वो बात जो है आपके ज़बान में आती है. And in your tongue it's formed. और आपके ज़बान में वो शब्द बनते हैं. The tongue takes inputs from the thoughts. और ये शब्द जो है विचारों के द्वारा विचार के बातों को लेती है. You don't have enough money. आपके पास काफी पैसे नहीं है. Don't even think about it. उसके बारे में सोचना भी नहीं. Stop dreaming, brother. और भाई तू सपना देखना बंद कर दे. So this thing, wow, what a car. तो ये हृदय जो है यहाँ से ये ऐसी शब्द आते हैं, अरे कितनी सुंदर ये कार. Awesome car. ये बहुत ही अद्भुत कार. Now mixes with these words. अब इन शब्दों के साथ ये मिल जाते हैं. Don't even think about it. अरे इसके बारे में सोचना भी नहीं. Hallelujah. Hallelujah. You, it's not possible with you. लेकिन तुम्हारे लिए तो ये संभव ही नहीं. You could work hard all your life, even that salary, even that amount will not be enough. जीवन भर भी काम करोगे तो वो तकवा उस उसके लिए पैसे जुटा नहीं पाएगा. So these two inputs have come to the tongue. अब ये दोनों विचार जो है ज़बान में आए हैं. Now the word which comes out. अब शब्द जो बाहर निकलते हैं. Are you getting what I'm saying? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? The thought that came inside. विचार जो अंदर आया. Was inspired by God. वो परमेश्वर के द्वारा उभारा गया. With God, nothing is impossible. परमेश्वर के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है. I'll give you a lot of examples so you begin to put it all together. मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों को दूंगा ताकि उन सारी बातों को आप समझ सकें. I'm just giving this example to show you that what was actually conceived was different from what actually came out of the mouth. और मैं आपको ये बताना चाहूंगा उदाहरण ताकि इस बात को आप समझें जिस बात को आपके हृदय में था वो बात से वो आपके शब्द जो ज़बान से निकले पूर्णता से विपरीत थे अलग थे. और you know you see a nice businessman with coat and suit walking. या तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति कोट और सूट पहनते हुए व्यवसायी व्यक्ति आप चलते हुए देखते हो. And you say in your heart it is like that one day I'll become like you. और आपके हृदय में ऐसा शब्द आता कि एक दिन मैं ऐसा ही बनूंगा. That thing from your heart it comes out. और आपके हृदय से वो बातें ऊपर आती है. Comes to your mouth. आपके ज़बान तक आती है. Your tongue also receives input from your head. और आपकी ज़बान जो आपके दिमाग से भी उसको इनपुट मिलता है. What is the input? और वो क्या बातें आती है. I'm sure he should have been an MBA. You're only a BCom. दूरता से मैं जानता हूँ कि MBA या BCom जरूर इसने किया. I'm sure this business is not his own, his father's also, you know, something he's got from up. और मैं दूरता से जानता हूँ कि इसका खुद का ही व्यवसाय नहीं, इसके बाप से, इसके पिता से कुछ पाया है. What has your father got? अरे तुम्हारे पिता ने क्या? So that positive which comes from inside. और सकारात्मक बात जो अंदर से प्रकट होती है. There is a negative logic that flows from up. एक नकारात्मक तत्व की बात है जो ऊपर से सर से रहती है. So the word that comes out. और इसलिए शब्द जो आते हैं. It's going to be word of discouragement. हो सकता है कि निराश
आशाजनक शब्द ना हो इट कुड बी लाइक ओ आई विश आई कुड हैव बीन लाइक हिम और आप बोलेंगे अरे मैं सोचता हूं मैं कल्पना करता हूं काश मैं ऐसा होता सम पीपल प्रे गॉड व्हेन विल माय टाइम कम लाइक दिस कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरा समय कब आएगा ऐसा रहने का सम पीपल से गॉड व्हाई डिड यू मेक मी लाइक दिस और कुछ लोग ऐसा प्रभु कहते प्रभु परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया इनसाइड देयर वाज एन इंस्पिरेशन अंदरूनी स्वरूप से वो उभरने वाली प्रोत्साहन की बात थी बट आउटसाइड केम डिस्करेजमेंट लेकिन बाहरी स्वरूप से निराशजनक शब्द निकले दैट इज व्हाई आवर वर्ड्स आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट सेम पावर दैट द वर्ड्स ऑफ गॉड हैड इन जेनेसिस चैप्टर 1 और इसलिए उत्पत्ति इसके पहले अध्याय में परमेश्वर के वचनों में जो काबिलियत है वो काबिलियत भरे शब्द जो है हमारे अंदर से नहीं आते नाउ दिस इज अ प्रोसेस दैट वी हैव टू डू और इसलिए ये जो क्रम है क्रिया है जो हमें करते रहना द हार्ट आई विल कॉल फेथ और हृदय को मैं विश्वास कहूंगा एंड Mind, I will call logic. और मन को मैं तत्व की बात कहूँगा. There is going to be an eternal struggle between faith and logic in your body. हमेशा आपके शरीर में विश्वास और तत्व की बात के बीच में लड़ाई होती रहेगी. The day you keep logic to rest and give faith the place that it needs. और जिस दिन आप तत्व ज्ञान की बात को आराम करने लगाओगे और विश्वास को आप जो है कार्य करने लगाओगे. That day you will see that your words have creative power, the same power that the words of God had. उस दिन आप देखोगे कि आपके शब्द में वही वो क्रिया या निर्माण करने के शब्द होंगे जो जिन शब्दों में परमेश्वर के वचनों में जो निर्माण करने का सामर्थ्य है। We use this creative power in negative things. देखिए आप हम जो है इस क्रियाशील ये और निर्माण करने के शब्द को नकारात्मक शब्दों के लिए उपयोग में लाते हैं। It works in our lives. और हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। You get wet in rain and you come inside. आप बरसात में भीगते हो और अंदर आते हो। Your mother says, "Come on, wipe your head quickly. You'll catch a cold." आपकी माँ कहती है, "अरे सर को जल्दी से आप पोंछ लो नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी." In 2 minutes, हाँची हाँची। और 2 मिनट में आप छींकने लगते हैं। And she says, "See, I told you." और उसके बाद वो कहती है, "देखो मैंने बोला था ना." Praise God, prophetic words come to pass. प्रभु की स्तुति हो, भविष्यवाणी के तौर पर जो बोला है वही पूरा हुआ। In that time, the faith that came inside of her is, "You came wet, you're going to get a cold." और उस समय में विश्वास जो अंदर उसके अंदर से आया वो ये था कि तू बाहर भीग के आया और तू सर्दी तुझे जरूर लगेगी। That word came to the tongue. और वो शब्द जो है वो ज़बान तक आया। The logic also says, "Yes, right, you're right." और तत्व का ज्ञान भी उसने कहा, "हाँ, तू बराबर बोल रहे हो." If you're wet, you know rain, you're going to catch a cold. अगर तुम भीगे हो तो बरसात में भीगे हो तो जरूर तुम्हें सर्दी लगेगी। So the mind and the heart, the logic and faith have come together. और तत्व जो है बातें और हृदय यानी विश्वास जो है दोनों में एक साथ सहमत हुए। And you speak it out. अब तुम बोलते हो। And amen, that will happen. और आमीन वैसा जरूर होगा बिकॉज़ यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं योर वर्ड्स हैव क्रिएटिव पावर आपके शब्दों में क्रिया निर्माण करने का सामर्थ्य है इन आवर डे टू डे लाइव्स वी आर यूजिंग दैट पावर हमारे रोजमर्रा के जीवन में उन शब्दों का हम उस सामर्थ्य का उपयोग करते हैं बट वी जस्ट नीड टू लर्न टू यूज दिस पावर नाउ फॉर आवर गुड लेकिन अब इस सामर्थ्य का हमारी भलाई के लिए हम उपयोग कराना सीखना है मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35 मत्ती 12वां अध्याय 35वां वचन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टुडे सो आई जस्ट टेक 5 मोर मिनट्स समय बहुत ही है हमारे पास इसलिए मैं केवल और भी 5 मिनट लेना चाहूंगा मैथ्यू 12:35 मत्ती इसका 12वां अध्याय 35वां वचन इट सेज अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ हिज हार्ट ब्रिंगेथ फोर्थ गुड थिंग्स और ऐसा लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर और भला मनुष्य मन के भले भंडार से brings out good things और भली बातों को निकालता है he does not say a good man has good treasure inside and his life is good और ऐसा नहीं लिखा कि भला मनुष्य है और उसके अंदर भला भंडार है भली बातों का और उसका जीवन अच्छा है भला है I can have about you know 10 crores in my bank account हो सकता है कि मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए हो but if I am not withdrawing money and using it daily लेकिन रोज अगर मैं उस पैसे को निकाल कर उपयोग में न लाऊं मेरे पांव के भी मांदे हो जाएंगे I won't have money even to buy pav. और पाव खरीदने के भी वादे हो जाएंगे। I might have all that money. हो सकता है कि इतना सारा पैसा मेरे पास हो। But if I don't bring it out, लेकिन अगर मैं उसे बाहर ना निकालूं, I'm going to live in poverty. तो मैं कंगालपन में जीवन जीऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. A good man out of the good treasure. और भला मनुष्य अपने भले भंडार से He brings out the good things. और भली बातों को निकालता है। This is what we need to try to learn. और यही बातों को हमें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। The good things that the Holy Spirit inspires inside of you. भली बातें जो आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको उभारता है। Hallelujah. Hallelujah. Those good things that He inspires. भरी बात जो आपको प्रेरणा देता है We need to learn to bring them out. हमें उन बातों को बाहर निकालना सीखना है Without mixing it with logic. और बगैर उस तत्व ज्ञान से बगैर मिलाए हुए उसे हमें बाहर निकालना Logic and faith are eternal enemies. और तत्व ज्ञान की बात है और विश्वास अनंत काल के लिए एक दूसरे के बैरी है Hallelujah. 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 Logic says that 5 loaves of bread and 2 fishes
only one little boy can eat. वो तत्व ज्ञान कहता कि पांच रोटी और दो मछली केवल एक छोटा सा लड़का ही खा पाएगा. Hallelujah. Or if he's a little thin, then two people like him can eat. और या तो अगर वो बहुत ही दुबला पतला है तो दो व्यक्ति हो सकता है कि खा ले. If he's like brother Rajesh, maybe only half of him can eat. That was rude. You know, that was logic sufficient for a sufficient purpose. देखिए ये तत्व ज्ञान की बात है कि एक व्यक्ति के लिए काफी उतना ही एक ही आदमी के लिए बना. That's how his mother has packed. और इस प्रकार से उसकी माँ ने उसके लिए बनाकर दिया था. But look at faith. लेकिन विश्वास की ओर जरा देखिए. Faith said that 5 loaves of bread and 2 fish, 5,000 men only, excluding women and children, can eat. और विश्वास कहता कि 5 रोटी और 2 मछली 5,000 लोग और महिलाएं और बच्चे साथ में मिलकर खा सकते. This little boy had something good. और ये छोटा सा लड़का उसके बाद कुछ अच्छी बात थी. He brought forth that good thing. और उस भली बात को उसने बाहर निकाला. Hallelujah. Hallelujah. He did not give place for logic. और उसने तत्व ज्ञान के लिए जगह नहीं दी. He said Jesus is here. उसने कहा यीशु यहाँ पर है. He wants it. और उसे ये चाहिए. He can do it. और वो ऐसा कर सकता. He had something. और उसके पास कुछ था. He brought it forth. और उसने बाहर निकाला. Look at Mary. मरियम की ओर देखें. She was pledged to be married to Joseph. और यूसुफ के साथ जो है शादी होने के लिए मंगनी हो चुकी थी. In those days. और उन दिनों में. Pledging was called courtship. और जो है the man and woman spend time to get to know each other. सगाई होना यानी वहाँ पर जो है सगाई होने का मतलब स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जाने इस प्रकार से बातचीत होती थी. It seems it's close to a year that they are that they are confirmed for each other, but they yet not married. और जो है मानो ऐसा है कि एक साल के लिए एक दूसरे को जानने और पहचानने लगते थे शादी होने से पहले. Now that was the situation between Mary and Joseph. मरियम और यूसुफ के बीच ऐसे प्रकार की स्थिति थी. The angel of God comes. और परमेश्वर का स्वर्गदूत आया. And tells Mary, you're going to have a child. और मरियम से वो कहता कि मरियम तुझे एक बालक उत्पन्न होगा. Now, Mary's answer is interesting. अब मरियम का जो उत्तर है बहुत ही दिलचस्प. She did not say no, it is impossible. और उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं यह संभव है. How is it possible since I am still not with Joseph? और उसने कहा कि ये कैसे संभव है क्योंकि अभी तक यूसुफ के साथ मेरी शादी नहीं हुई. On the outward it might seem the same thing, saying it is impossible. बाहरी स्वरूप से हो सकता है कि वैसा ही लगता हो असंभव मानो वो बोल रही है. No, but they are very different. लेकिन ये दोनों शब्द बहुत ही अपने आप में अलग हैं. To say it is impossible, it means that you have agreed that it is impossible. असंभव कहने का मतलब अपने आप को आपने सहमत कर दिया कि बिल्कुल असंभव है. But Mary's question was, how is it going to happen? लेकिन मरियम का प्रश्न ये था कि ये कैसे होगा. That means in her heart she had already agreed that it will happen. इसका मतलब ये कि अपने हृदय में उस बात को उसने मान लिया था कि ये जरूर होगा. She was only curious on the path it's going to, how it's going to happen, how are you going to make it possible. और ये बात है कैसे होगी इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी. Angel, you said that I'm going to have a child. स्वर्गदूत तूने कहा कि मुझे एक बालक उत्पन्न होगा. I agree with you. और मैं तेरे साथ सहमत हूँ. I completely believe you. और मैं पूर्णता से तुझ पर विश्वास करती हूँ. But how is it just going to happen? Because you know I'm not with Joseph yet. अब देखो अभी तक मैं यूसुफ के साथ मेरी शादी नहीं हुआ हुई है तो कैसे ये संभव है जरा बताओ. She was not saying no, it is impossible. वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि अरे ये असंभव है, ऐसा नहीं बोल रही थी. She had agreed that it is possible. और ये सहमत हो चुकी थी कि ये संभव है. How did that words come out from her mouth? और ये शब्द उसके जबान से कैसे आया? Out of the good treasure. और भले भंडार से. Defying logic. और जो है तत्व ज्ञान की बातों का सहारा न लेते When she spoke that words out, जब उन शब्दों को उसने बोला, words came into existence. और वो जो बोला वो ही अस्तित्व में आया. I'm going to talk in detail about words because I believe it's life transforming. शब्दों के बारे में बहुत ही सफाई से मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये जीवन को बदलने और रूपांतरित करने वाला है. And what we have to do as a church is this. और कलीसिया के स्वरूप में हमें क्या करना है वो ये है. Step number one. पहला कदम. We got to start filling the good treasure inside. और भले भंडार से हमारे भंडार को भरते जा रहे हैं. The good treasure is the word of God. भला भंडार जो है वो परमेश्वर का वचन है. I read this somewhere. और कहीं पर तो मैंने ये पढ़ा. The spirit world is controlled by the word of God. आत्मिक संसार जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है. The natural world is to be controlled by man speaking the word of God. और भौतिक संसार जो है मनुष्य के द्वारा प्रभु के वचन को बोलने के द्वारा नियंत्रित किया जाना है. I'll repeat it again. और मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा. The spiritual world is controlled by the word of God. आत्मिक
आत्मिक संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। The devil is subjected to the word of God. शैतान परमेश्वर के वचन के अधीन है। Creation is subject to the word of God. सृष्टि परमेश्वर के वचन के अधीन है। For example, उदाहरण के तौर पर, the Bible says in Genesis 1 that God separated the land and the water. और उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति पहला अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने जमीन और पानी को अलग किया। Even today land and water is separate. और आज भी पृथ्वी और मतलब पानी और जमीन जो है अलग है। How is this separation still maintained? और ये फर्क ये अलगाव कैसा अभी तक बरकरार है? The word of God is still at work. परमेश्वर का वचन अभी भी क्रियाशील है। Because that was not its original state. क्योंकि ये उसकी वास्तविक स्थिति उसकी ऐसे नहीं थी। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? They were first together. पहले ये दोनों साथ में थे। The word came and separated. और वचन आकर उनको अलग कर दिया। If the word was not permanently effective, अगर वचन स्थायी स्वरूप से प्रभावशाली नहीं होता, once the effect of the word goes, और जब वचन का प्रभाव निकल जाता था, it should start coming together again. तो दोबारा ये जल और भूमि जो है एक साथ मिल जाती है। But even today, if it is separate, लेकिन भूमि अलग-अलग है, that means the word is still at work. इसका मतलब वचन अभी भी कार्यरत है। The word is still executing its power. और वचन अभी भी अपने सामर्थ को जो है वास्तविकता में वो कार्य में ला रहा है। In the spiritual world, everything is controlled by the word of God. आत्मिक संसार में सब कुछ परमेश्वर के वचन जो है वो काबू में या नियंत्रण में रखता है। In the natural world, और भौतिक वास्तविक संसार में, in your family, आपके परिवार, in your place of work, आपके काम के स्थान, in your place of study, आपके पढ़ाई के स्थान, in the lives of your children, आपके बच्चों के जीवन, in your business, आपके व्यवसाय में, everything is controlled by you when you speak the word of God. और सब कुछ आपके द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो। Filling that reservoir is important. और वो जो भंडार को भरना ये बहुत ही जरूरी बात है। You got to read the word of God. आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। Now, this year we've said it so many times over and over again. और इस वर्ष कई बार हमने इस बात को दोहराया बार-बार कहा है। Hungry for the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति हमें भूखा रहना। Feeding yourself with the word of God. अपने आप को परमेश्वर के वचन को खाते ही रहना। You have only 10 minutes in a day. आपको दिन में केवल 10 मिनट मिलते हैं। Read the Bible for 10 minutes. अगर 10 मिनट मिलते हैं तो 10 मिनट परमेश्वर के वचन को पढ़िए। Most of the people, they don't read the Bible, but they pray for 10 minutes. ज्यादातर समय लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते, 10 मिनट है तो उसमें प्रार्थना कर लेते हैं। Prayer is ineffective without the word. प्रार्थना जो है वचन के बगैर किसी काम का नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Filling the reservoir. और अपने भंडार को भरना। When the reservoir is filled, और जब भंडार भरा रहता है, you can now bring forth the good that is inside of you. तब जो आपके अंदर भली बातें भला है वो तब आप निकाल सकते हो। Hallelujah. Hallelujah. The tongue is very, the mouth is very important. ज़बान जो है मुंह बहुत ही महत्वपूर्ण है। A good thought comes, और अच्छे विचार आते हैं। A negative logic comes, और नकारात्मक तत्व की बात आती है। Now the decision or the option is with you whether you want to speak it out or not. अब जो है इसका ये जो बात आप पर आधारित रहती है, आप कौन सी बात नकारात्मक कहें या तत्व की बात कहें या वचन की बात कहें। It's only when you speak out, और जब आप बोलते हो तभी that thing comes into effect. और तभी वो बात प्रभाव में आती है। God did not think that let there be light. परमेश्वर ने ऐसा सोचा नहीं कि अरे उजाला हो जाए। Yes, he conceived it from inside. लेकिन अंदर से उस बात को उसने लिया। He conceived it from inside. और अंदर से उस बात को उसने लिया। He spoke it out. और उसने बोला। The moment he spoke it out, it happened. और जिस क्षण प्रभु ने बोला तो वैसा ही हो गया। We got to be careful with our words. और हमारे शब्दों के प्रति हमें बहुत ही सतर्क रहना। हमारे बोली भाषा में बहुत ही सतर्क रहना। You know, each one creates a power zone around us. और हर एक जन अपना इर्द गिर्द जो है एक सामर्थ्य का क्षेत्र बनाए रखता है। Even in science, they call it the aura. और विज्ञान के तौर पर भी उसे ऑरा कहते हैं। Every person has an aura. और हर एक व्यक्ति के पास ऑरा है। It's easy to understand. See, in example, for example, in school. समझने के लिए बहुत ही सरल है, आसान है। उदाहरण के तौर पर स्कूल में All the children are playing. सारे बच्चे खेल रहे हैं। So there is this one teacher who comes in. और इसलिए एक टीचर आती है अंदर। They are not much bothered. और वो उसके बारे में ज्यादा ख्याल नहीं करते। But there is another teacher who comes in. लेकिन दूसरी एक टीचर आती है। Suddenly you can feel like you know that there's a quietness that just sweeps across the room. और अचानक आप देखते हो कि एक स्तब्धता होती है और पूरे क्लासरूम में पूरे एकदम चुप हो जाओ। There's something about that presence of that one person. और उस एक व्यक्ति की उपस्थिति के बीच में कुछ अलग ही बात है। That person carries a presence. तो वो व्यक्ति इस प्रकार की उपस्थिति लिए चलता है। That presence is created by that person's words. और वो उपस्थिति उस व्यक्ति के शब्दों के द्वारा बनाई गई है। A person cannot keep cracking jokes all the time and expect to create a very serious presence around him. और एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि हमेशा मजाक और जोक करता रहो और उसके इर्द-गिर्द सारे हर
समय में गंभीरता में लोग रहे हैं ऐसी अपेक्षा नहीं Have you seen jokers in a circus? सर्कस में जोकरों को आपने देखा है? You know, when the joker does not even have to open his mouth, the moment he comes in, children are ha 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 ha, he and everyone is laughing. और जोकर को आपने मुंह को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती जिस क्षण वो जोकर मैदान में आ जाता है तो वो सारे बच्चे उसे देखकर जोर से मुंह खोलकर चिल्लाने लगते हैं हंसने लगते हैं When they start talking, now you know why people laugh. और जब वो बोलने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि लोग क्यों हंसते हैं Because their words create that kind of an aura. क्योंकि उनका शब्द जो उस प्रकार का ऑरा जो है उनके और बनाता है Create that kind of a presence. और उस प्रकार की जो है और एक वातावरण बनाते हैं We create a spiritual presence around us. और हम हमारे चारों तरफ एक आत्मिक वातावरण को बनाते हैं Hallelujah. Hallelujah. You know, all this is Bible based. और ये सारी बातें बाइबल पर आधारित हैं But it's interesting that the people of the world, I'm sure, you know, the people of the world read the Bible more, you know, more slowly, more clearly, and more interestingly than you and me because they are looking for a lot of principles from the Bible and they make it up and they print books and they earn a lot of money. While we carry this Bible and we say, what is this 100 rupees Bible? You know, what's there in it? You know, let's read one chapter. That same psalm, you know, you're reading it 10 times a year. But you still don't know where it is in the Bible or which verse it is. You know, we are still struggling with this treasure in our hands, but the wise people in the world are making a life by using the principles that's written in the word of God हमारे हाथों में ये खजाना है इस खजाने को लेकर हम बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं जूझ रहे हैं लेकिन संसार में बुद्धिमान ऐसे लोग हैं जिस इस वचन को लेकर वे अपना उपयोग करते हैं I saw this movie called The Secret how many of you have seen this movie The Secret The Secret कितने लोगों ने इस पिक्चर को देखा The first time I saw it I was shocked और पहली बार जब मैंने देखा मैं बहुत ही हक्का बक्का रह गया Everything is in the Bible और सब कुछ सारी बातें जो उसमें बाइबल की बातें उसमें I can give you a 10-hour sermon of how that movie was made copied exactly from the Bible और 10 घंटे का मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से बाइबल के आधारित तौर पर वो पूरी पिक्चर बनाई गई Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। It's all there. और सारी बातें वचन में ही हैं। Positive thoughts that they talk about. सकारात्मक विचार जो वे लोग बोलते हैं। It's attracting opportunities that they talk about. और ऐसे मौके जो आकर्षित करते हैं उन सारी बातों के बारे में जो बताते हैं। Focusing energy that they talk about. और ध्यान लक्ष्य लगाने वाला जो बल है जिस विषय में All there in the Bible. सारी बातें बाइबल में ही हैं। Hallelujah. Hallelujah. The Bible is a great source. It's a life-changing book. बाइबल जो है बहुत ही बड़ा आधार है जीवन को बदलने वाला When we are talking about the words, I'm going to talk in a great detail about the word of God in us. जब हम वचन के बारे में बात करें तो परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर अहम बात है उसके बारे में सफाई से बताना चाहूंगा. So the heart of a believer is controlled by the Spirit of God. और इसलिए विश्वासी का हृदय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित है. When it comes to the tongue. और जब ज़बान में वो बात आती है. Influenced by logic. और तत्व ज्ञान के मुताबिक प्रभाव पड़ते हुए. The words change. तो शब्द बदल जाते हैं Think about your prayers. अपने प्रार्थना के बारे में जरा सोचिए you go into prayer, you know, with a faith that I'm going to pray and you know the situation is going to go. आप विश्वास के साथ प्रार्थना में जाते हैं और कहते हो मैं प्रार्थना करने वाला हूं और सारी स्थिति बदलने वाली है The moment you kneel down and words start coming out. और जिस क्षण आप घुटने पर आते हैं और शब्द चालू हो जाते हैं Lord, please have mercy on me. कृपा कर परमेश्वर मुझ पर तारा Lord, I'm in big problem. प्रभु मैं बड़ी समस्या में हूं Lord, I can't take this anymore. प्रभु इसके आगे इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता Lord, when is my life going to change? प्रभु मेरा जीवन कब बदलेगा Lord, when am I going to see better days परमेश्वर बेहतर दिन मुझे कब दिया Before you started praying, what was conceived inside? वो प्रार्थना करने से पहले जो बात आपके अंदर थी जो बात When the trouble came, और जब वो समस्या आई, immediately you said, I'm going to go pray and go into the presence of God. वो बात आपके अंदर आए कि मैं तुरंत जाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाला और स्थिति बदलने वाली But the moment we opened our mouth, लेकिन जिस क्षण अपने मुंह को हमने खोला, it was completely different from what was conceived inside. और जो हमारे अंदर बना था उससे हमारे मुंह से जो निकला ये दोनों बात बिल्कुल विपरीत थी Faith is conceived inside. विश्वास जो अंदर गर्भ के समान रहता है Desperation is spoken outside. और निराशजनक बातें जो बाहर बोली जाती है निराशजनक desperation is not the word. Desperate for change. मतलब उतावले ना और चुनाव just kind of just hoping for something to happen. और उतावलापन यानी किसी बात की बहुत ही चाहत रखना ये बात जो है मुंह से प्रकट होती है. That's why prayers don't have effect. और इसीलिए प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं रहता. The Holy Spirit inspires us. और पवित्र आत्मा हमें उभारता है. When we hear that inspiration. और जब उस उभारने की बात हम सुनते हैं. And we learn to speak it out. और हम बोलना जब उस बात को सीखते हैं. Then those words have creative power. और तब उन शब्दों में निर्माण करने का सामर्थ्य रहता है. I want to talk to all the people who have this good habit of speaking negative words. और सारे लोग को उसे मैं बताना चाहूंगा जिनको बहुत ही अच्छी आदत है नकारात्मक शब्दों को बोलने की From the moment they get up in the morning. और जिस क्षण में सुबह का समय जाग उठते हैं What is not coming as usual. अरे पानी जैसे रोज आता था आज नहीं As usual
usual, I'm going to get late. अरे जैसे रोज होता आज भी मैं लेट ही हूँ. As usual, these rickshaws will not come. अरे जैसा हमेशा होता है रिक्शा बराबर. As usual, the stations will be crowded. जैसा हमेशा होता है स्टेशन हमेशा गर्दी. As usual, the trains will be late. जैसा हमेशा होता रहा ट्रेन आज भी देरी से. As usual, I will reach late. जैसा रोज होता है वैसा आज भी मैं लेट. As usual, my boss will give me lot of work. जैसा रोज होता है मेरा बॉस मुझे चिल्लाने वाला. As usual, I'll stay back late. जैसा रोज होता है मैं रोज लेट ही रहूंगा. As usual, I'll make mistakes. जैसा रोज होता है मैं आज भी गलती करने वाला. As usual, I'll reach home late. जैसा हमेशा होता रहा आज भी मैं घर पर देरी से पहुंचूंगा. Amen. All the days of your life, that is what is going to happen. Amen. आपके जीवन के हर एक दिन में ऐसा ही होता रहेगा. Because you're creating your own day. क्योंकि आप आपके खुद के दिन को निर्माण कर रहे हैं. You believe it so strongly inside. आप अंदर शुरू से इतने मजबूती से इस बात पर विश्वास. I will get late. मैं जरूर देर I will have to work more. और मुझे ज्यादा काम करना ही पड़ेगा. I will get home late. और मैं घर पर देरी से ही पहुंचूंगा. I will have no time. और मुझे काम मुझे समय बिल्कुल नहीं मिलेगा. That's what we've been speaking out. यही बात तो हम बोल रहे हैं. Hallelujah. 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 But go deep down inside your heart. लेकिन आपके हृदय की गहराई में जरा जाइए. If you look at the desire of your heart, आपके दिल की चाहत को अगर आप देखोगे, that would not be the desire. तो वो जो आप बोल रहे थे वो चाहत नहीं है. You would not have the desire to reach late in office. और आपकी चाहत ऐसा नहीं होगी कि आप ऑफिस में देरी से पहुंचो. Your desire is not for the train to come late. आपकी चाहत ये नहीं कि ट्रेन देरी से आए. Your desire is not for your boss to scold you. आपकी चाहत ये नहीं कि आपका बॉस आप पर चिल्लाए. So what is conceived in your heart? इसलिए आपके हृदय में जो आपने पाया है, that I want to go to office on time. कि मैं समय पर ऑफिस में जाना चाहता हूं. What's coming out आत्मिक संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रित किया गया. नेचुरल वर्ल्ड भौतिक संसार इज कंट्रोल्ड बाय अ मैन मनुष्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है. यूजेस द वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर के वचन को उपयोग में लाता है. मीनिंग टू से दैट यू कंट्रोल योर नेचुरल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब यह है कि आपके वर्तमान आपके भौतिक संसार को आप नियंत्रण में रखते हो. हालेलुया हालेलुया. Try this out this week. और इस सप्ताह में इस बात को करने का प्रयत्न करो. If you get late from office consistently, अगर आप लगातार ऑफिस में जाना आप देरी हो रहे हो. Get back late. और ऑफिस से अगर देरी से घर पर पहुंच रहे हो. You know, start confessing this. और इस बात को कबूल करने लगो. Because the desire in your heart is that you want to leave office at 8 o'clock. क्योंकि आपके दिल में यही चाहत होती है कि आप ऑफिस से 6 बजे निकल जाओ. That's the time I want to leave at 6. That's the desire. और यही चाहत यही समय है और मैं बराबर 6 बजे निकल जाऊँ. But the words that will come out is no, but boss is going to give someone. लेकिन शब्द मुंह से निकलते हैं कि यार मेरा बॉस कुछ ना कुछ काम जरूर मुझे देगा. Trying this confession. और इस बात को बोलने का कबूल करने का प्रयत्न करो. Going to get out at 6 today. और मैं बराबर आज 6 बजे ऑफिस से बाहर निकल जाऊंगा. I get out at 6, I'm going to go comfortably home. और मैं जब 6 बजे बराबर बाहर निकलूंगा मैं बहुत ही आराम से घर पहुंचूंगा. I'm going to spend time with the family. और मैं परिवार के साथ अपना समय गुजारूंगा. I'm going to spend time with the word of God. और मैं परमेश्वर के साथ अपना समय गुजारूंगा. Start putting out what is inside. और जो अंदर है उसी बात को बाहर प्रकट करें बोले. Logic will try to conflict. और तत्व जो है उसके विरोध दर्शाना चाहेगा. First thing they will say, so many years it has not happened, do you think now it will happen? पहली बात वो कहेगा कि इतने सारे सालों से नहीं हुआ है तुझे क्या लगता है अभी ऐसा होगा. That's the first thing that will come. ये पहली बात यही बात आएगी. Go against it. और वापस आप बोलो. Tell that logic that there's always a first time. उस तत्व ज्ञान को बोलो कि पहले ये पहला है. There's always a first time. और पहले पहला समय है. नहीं सर. पहला समय. That's always पहला समय हमेशा आता है. हमेशा जो है पहला समय हमेशा आता है. That's the first time. Always is the first time. हमेशा पहला समय हमेशा आता है. So this is going to be the first time. और इसलिए ये वो पहला समय है. The words that you speak. जो शब्द आप बोलते हो. Begin to shape your presence. तो आपकी उपस्थिति को आकार ने लगता है. Begin to control your life. और आपके जीवन को जो है नियंत्रण. So I'm going to talk about prophetic words in the days to come as well. आने वाले दिनों में भविष्यवाणी के शब्दों के बारे में बताना. Let's rise up to our feet. Let's look to the Lord in prayer. आइए सब जन अपने पैरों के बल खड़े हो जाओ और प्रार्थना में प्रभु